बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान मजीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का यूट्यूब चैनल। अच्छा तो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसेंट 33 को। आज हम इसके ऑन ग्राउंड लोकेशन पर मौजूद हैं। आज हम इसके जो मेन गेट से डिस्टेंस है उसके हवाले से बताएंगे, इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके रेट के बारे में बताएंगे। तो आज हमने आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है हैदर अली भाई को, तो आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने। अच्छा तो हैदर भाई, सबसे पहले मुझे जो कि प्रेसेंट 33 है 500 गज़ के स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे प्लॉट दिए गए हैं जी, इसका जो मेन गेट से डिस्टेंस है उसके हवाले से बताइएगा और इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं उसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। इस प्रेसेंट का जो मेन गेट से डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 15 से 16 किलोमीटर के अराउंड है। अगर हम इसकी सराउंडिंग में बात करते हैं, इसकी सराउंडिंग में प्रेसेंट 34 आ रहा है, 32 आ रहा है, स्पोर्ट्स सिटी के विलाज आ रहे हैं, स्टेडियम आ रहा है और बिल्कुल इसके फ्रंट पे जो है वो एफएल टावर का व्यू भी आ रहा है। अच्छा, मतलब कि यहाँ से इन चीज़ों का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि आपने बताया स्टेडियम का व्यू बड़ा अच्छा मिलता है, बिल्कुल, और एफएल टावर का व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल, अगर हमारा कैमरा मैन इनको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा व्यू है इनका, बहुत अच्छा व्यू मिलता है। अच्छा तो हैदर भाई, अगर इसके रेट के हवाले से मैं बात करूं तो मैं रेट थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पे जो अभी करंट प्राइस चल रही है तो उस प्राइस के हवाले से बताइएगा कि कितनी ब्रैकेट में यहाँ पे प्राइस चल रही है। प्रेसेंट 33 में जो 500 गज़ के प्लॉट हैं उनकी जो रेट ब्रैकेट है वो तकरीबन कोई हमें 78 से लेकर या 75-78 से लेकर तकरीबन 1 करोड़ कोई 20 लाख तक मिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा तो इसमें आप ये जो रेट बता रहे हैं आप, ये रेट तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा लेवल का प्रेसेंट है। बहुत ही यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी हुई है और कुछ एरिया कुछ होगा यहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है या सारे का सारा प्रेसेंट डेवलप हो गया हुआ? इसका कुछ एरिया है जो अभी आउट ऑफ बाउंड्री है, बकाया सारा ये सेफ है, जो मतलब सेफ है वो डेवलप हो चुका है। स्ट्रीट्स, लाइटिंग, रोड्स, हर चीज़ बन चुकी है। ऐसे यहाँ से कुछ यहाँ पे अभी कुछ घर भी बन रहे हैं, कुछ घर ग्रे स्ट्रक्चर में हैं, कुछ आपको इसके बारे में बताइएगा। तकरीबन इसमें 3 से 4 घर बन रहे हैं, अभी एक रेडी हो चुका है जी जी, तो 2-3 की अभी बुनियाद भी रखी है। ठीक हो गया। अच्छा तो हैदर भाई, एक और सवाल मैं इसमें अपना ऐड करता चलूँगा। जैसा कि आपने रेट बताया, ये नॉर्मली ये जो रेट चल रहे हैं ये यहाँ पर अभी 250 स्क्वायर यार्ड के रेट की ये ब्रैकेट है जो अभी आपने रेट बताया, तो इसकी क्या वजूहत है? मतलब ये प्रेसेंट लेट डेवलप हुआ या ये कुछ आउट ऑफ बाउंड्री होने की वजह से इसके रेट में थोड़ा सा ये जो आप कमी बता रहे हैं, मतलब कि ये जो प्राइस चल रही है ये अभी यहाँ पर बैरिया टाउन के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की ये प्राइस है, जो आप 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इस टाइम में इन्वेस्टमेंट की जाए तो आने वाले टाइम के लिए यहाँ पर ये एक कैसा रहेगा, आप यहाँ से कैसा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? मतलब कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में। जी जी बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं मिसाल आपको एक दे रहा हूँ कि 7% 34 है जी, 34 में आज से तकरीबन कोई 6-7 माह पहले कुछ रेट था कोई 40 से 45 का, ठीक है, 250 गज़ के प्लॉट का। आज वहाँ पे जो रेट चल रहा है वो तकरीबन कोई 90 से 90 तक रेट चल रहा है 250 गज़ के प्लॉट का जी, जी। तो इधर प्रेजेंट 33 में देखते हैं, इसमें कोई रेट थे तकरीबन 45 से कोई 60 तक, ठीक है, एकदम से रेट गेन हुए इनके, ठीक है, जिस तरह के ये स्टेडियम का काम कम्प्लीट होता जा रहा है, स्टेडियम का काम बढ़ता जा रहा है, जैसे कम्प्लीट होता जा रहा है वैसे इनकी रेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो स्टेडियम में कुछ ये भी बताइएगा कि स्टेडियम में काम कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर कब तक ये मतलब के मैच होने के खबर सुनी हुई है कि यहाँ पर मैच स्टार्ट होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैच होगा, तो इसका कंप्लीट होने का टाइम एक टाइम बताया गया था टाइम फ्रेम, तो कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा? ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2023 के एंड में ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 23 के एंड और 24 में ये कंप्लीट हो जाएगा, 23 के एंड में या 24 के स्टार्टिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा जी। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा तो व्यूअर्स, ये थे है मोहम्मद हैदर अली, तो हमने इनसे कुछ सवाल पूछे, हमने इनसे रेट के हवाले से पूछा, इन्होंने हमें रेट के हवाले से बड़ा अच्छा गाइड किया, यहाँ पर किस ब्रैकेट में अपना प्राइस चल रही है उसके हवाले से बताया, इसके सराउंडिंग के बारे में भी बताया। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।